अब गांव मांग में बाल बच्चा है, देश मांग है, धन दौलत तो और कुछ ही मांग। अम्मा कितने सालों से छठ कर रही है? छठ कर रहे हैं, भीख मांग के हम दे रहे हैं बुआ। ऐसा पड़ी से हम भीख मांग के दे रहे हैं, झूठ का हल्ला कर रहे हैं। बाल बच्चा, बेटी, दामाद, नाती, नतनी सब मांगे हैं। चार गो दोस्त लोग हैं, लोग मिलकर ही, और हमने यहाँ लड़का लोग भी, सभी लोग यहाँ कार्यकर्ता लोग भी सहयोग करते हैं पूजा प्रसाद वितरण में। छठ व्रतियों में सारा फल मिला हुआ रहता है, प्रकार का नारियल हुआ, नींबू हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज, मैं हूँ आपके साथ शिवम। नहाय खाय के साथ लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है और आज छठ महापर्व का दूसरा दिन है और ऐसे में इस वक्त हम मौजूद हैं अटल पथ के दुर्गा मंदिर के पास और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो छठ की सामग्री है वो छठ व्रतियों को वितरण किया जा रहा है। काफ़ी संख्या में यहाँ पर महिला और पुरुष जो है वो इकट्ठा है और तमाम 10 से 12 सालों से यहाँ पर जो दुर्गा मंदिर के तमाम जितने भी सदस्य हैं उनके द्वारा यहाँ पर वितरण किया जा रहा है। सीधे तस्वीर जो है वो आपको हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि ये बिहार का महापर्व है और इस पर्व को धूमधाम से लोग मनाते हैं और जिसकी जितनी श्रद्धा होती है उतने हिसाब से इस पर्व को मनाया जाता है। देख सकते हैं कि तमाम महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को जो छठ का सामान है वो वितरण किया जा रहा है। कुछ छठ व्रती हैं। माता जी, आप छठ करती हैं? सब छठ करती हैं। कितने सालों से कर रही हैं? बहुत साल से कर रहे हैं, उतना याद नहीं है। तो इस बार क्या छठी मैया से मांगिएगा? अब कौन मांग में बाल बच्चा है, देश मांग है, धन दौलत तो और कुछ ही मांग रहे। बहुत पर बहुत सालों से कर रही है। हाँ, चलिए, बहुत सालों से छठ कर रही हैं। तमाम जितनी भी महिलाएं हैं वो यहाँ पर छठ का जितना सामान है उन्हें वितरण किया जा रहा है। अम्मा कितने सालों से छठ कर रही हैं? छठ कर रहे हैं, भीख मांग के हम दे रहे हैं बुआ। ऐसा पड़ी से हम भीख मांग के दे रहे हैं, झूठ का हल्ला कर रहे हैं। ननद करते हैं, बेटी कर रहा है, तैसो बेटी ना करे थे। ओ, आप भीख मांग के ही सामान को देती हैं? हाँ। ऐसा कारण क्या है? हाँ, हम छठ कर रहा ली तो हम छठ छोड़ दिले, मरद वैसे हो गए तो हम छठ छोड़ दिए। तो हम कहिए कि हम जब ले जियेंगे जब हम भीख मांग के हम सूप लगा देंगे। भीख मांग के सूप लगा? हाँ, पढ़ू लगा दिए हैं, ये जब पढ़े लगा दिए। छठी मैया से क्या कुछ मांगिएगा? हाँ, सब कुछ मांगे हैं, बाल बच्चा, बेटी, दामाद, नाती, नतनी सब मांगे हैं। चलिए, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है और अपने अपने अनुसार जो छठ का सामग्री है वो यहाँ पर वितरण किया जा रहा है। जो वितरण करते हैं हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। कितने सालों से इस काम को कर रहे हैं? हम लोग लगभग 10-12 सालों से यहाँ पर प्रसाद का वितरण कर रहे हैं। तो खुद से कि तमाम लोगों के साथ मिलके? हम लोग दो चार गो दोस्त लोग हैं, लोग मिलकर ही, और हमने यहाँ लड़का लोग भी, सभी लोग यहाँ के कार्यकर्ता लोग भी सहयोग करते हैं पूजा प्रसाद वितरण में। छठ महापर्व है, आप लोग तमाम छठ व्रती को सामान वितरण कर रहे हैं। आप छठ मैया से क्या कुछ मांगिएगा इस बार? छठ माता से यही विनती है कि हम लोग मैंने परिपूर्ण सभी तरह से संतुष्ट रहे, भगवान हम लोगों को मनोकामना जो भी मनोकामना हम लोग का पूर्ण करें और यहाँ के जो भी कार्यकर्ता है सब लोगों का मनोकामना पूर्ण हो। तो चलिए, सभी लोगों का जो मनोकामना है वो छठी मैया पूर्ण करें। आप देख सकते हैं कि ये आर ब्लॉक के पास जो दुर्गा मंदिर है वहाँ पर पिछले 10 से 12 सालों से जो छठ का सामग्री है वो वितरण किया जाता है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। कितने सालों से इस कार्यक्रम को कर रहे हैं? हम लोग तो 4-5 साल से कर रहे हैं, लेकिन हमारे जितने भी बड़े भैया लोग हैं लगभग 10 साल से ये काम कर रहे हैं, वितरण का काम कर रहे हैं। क्या क्या देते हैं छठ व्रतियों को? सबको छठ व्रतियों में सारा फल मिला हुआ रहता है, प्रकार का नारियल हुआ, नींबू हुआ, गन्ना हुआ, केला हुआ, सेब हुआ, सारे फल को मिलाकर हम लोग वितरित करते हैं। छठी मैया से क्या कुछ मांगिएगा? छठी मैया से यही मांगेंगे कि जो जीवन जी रहे हैं उससे और बेटर जिए और माँ बाप के लिए भी, दोस्तों यारों के लिए भी अच्छा मांग है कि और अच्छा जीवन जिए। तो चलिए, पिछले 10 से 12 सालों से यहाँ पर हर साल जो छठ की सामग्री है उसे वितरण किया जाता है और तमाम हमने छठ व्रतियों से भी बात की, उनका कहना है कि छठी मैया सब पर अपना जो आशीर्वाद है वो बनाए रखे। बहरहाल, अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।